नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं एस्ट्रो प्रतीक। तो नो डाउट आज आप सभी लोगों को मैं आपको कुछ एक महाधन राजयोग के बारे में आपको बताने वाले हूं। वो राजयोग सुन के आप नो डाउट अपने हाथ देख के अपने बारे में प्रिडिक्शन 200% कर सकते हो। आप कैसे देखते हैं वो चीज ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर हमें धन के बारे में देखना है ना, हमें सबसे पहले बताओ क्या देखना पड़ेगा। हमें हमारा सूर्य पर्वत देखना पड़ेगा, मतलब कि ये वाला ग्रह जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, वो देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से किसी के भी हाथ में आपकी ये जो रिंग फिंगर और आपकी जो इंडेक्स फिंगर, आप कौन सा हाथ देखना है, जिस भी हाथ से आप काम करते हो वही हाथ देखना है। चाहे लेफ्टी हो तो लेफ्ट देख लो, चाहे राइटी हो तो राइट देख लो, मतलब जिस भी हाथ से खाना खाते हो, जिस भी हाथ से लिखते हो, वही हाथ आपको देखना है। दैट्स ऑल, समझ गए। राजयोग नंबर पहला, लक्ष्मी राजयोग कौन सा है, ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों के हाथ में आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर बराबर हो, पहला केस, या आपकी जो रिंग फिंगर है इंडेक्स फिंगर से ऊंची हो, मैं आपको दोस्तों लिख के दे रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में मजे ही करोगे, चाहे अभी आप किसी भी लेवल पर हो। ये दोनों अंगुलियां क्यों, क्योंकि जो रिंग फिंगर है आपके सूर्य को इंडिकेट करती है और जो इंडेक्स फिंगर है आपके गुरु को इंडिकेट करती है। जब भी सूर्य गुरु की पावर या तो सेम हो या सूर्य गुरु से ऊंचा हो, तो मैं 200% आपको एक चीज लिख के दे रहा हूं, आप लोग अपनी लाइफ में 200% है अच्छी खासी लाइफ जियोगे। आप लोग अपनी लाइफ में लग्जरी भोगोगे। आप लोग अपनी लाइफ में, आपको कभी भी जब भी पैसों की जरूरत होगी ना, मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल रहा हूँ, लक्ष्मी आपके पास में आएगी जब जब आपको पैसों की जरूरत होगी, चाहे अभी आप किसी भी लेवल पर हो, डजंट मैटर, चिंता मत करो। आप लोग अपनी लाइफ में नो डाउट एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ के मालिक होने वाले हो। और ये मेरी बात रिसर्च में, मैंने कम से कम 1000 लोगों के हाथों में, जो टॉप अच्छे खासे लखपति या करोड़पति हम बोलते हैं ना, उनके हाथों में मैंने देखा है। मेरी खुद की रिसर्च है भैया ये, अगले साल मेरी बुक भी आने वाली है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ये बात 200% प्रूवन है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे, अरे मेरे साथ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मुझे पता है, कमेंट बॉक्स में देखूंगा, मैं दिखता भी हूं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग पैसे वाले हैं, बता दो आपकी या तो ये अंगुली बराबर है, या तो या रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर चाहे हल्के से भी ऊंची है, जो रिंग फिंगर है ना वो लग्जरी है, ऐशो आराम है, मौज मस्ती है। अगर आप लोगों की रिंग फिंगर है ये इंडेक्स फिंगर से ऊंची होती है ना, मुझे एक बात लिख के बता दो, मैं आपको सही से बता रहा हूँ। चैलेंज आप सभी लोगों को, आप लोगों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, अगर आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची हो तो है ना, बताओ कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात, आप लोग कहीं पर भी जाते हो ना, लोग आपको देख के बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। आपका प्रेजेंटेशन पावर गजब का है, आपका ऑरा गजब का है। अगर आप फीमेल हो, आपकी रिंग फिंगर ऊंची है, नो डाउट दिखने में बहुत अच्छे हो आप। आपको डर लगता है कि यार इतने लड़के पीछे क्यों हो जाते हैं मेरे। मेल हो तो नो डाउट भाई साहब दिखने में बहुत शानदार हो। कहीं पर भी जाओगे ऐसे चुटकियों में नो डाउट इंप्रेशन जमा लोगे, अपना प्रभाव जमा लोगे, अगर रिंग फिंगर आपके इंडेक्स फिंगर से ऊंची है। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, भूलना मत। तो इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों की रिंग फिंगर ऊंची हो, मतलब रिंग फिंगर ये वाली इंडेक्स फिंगर से, मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आप लोग अपने लाइफ में लक्ष्मीमान होगे ही होगे, भोग ऐश्वर्य भोगोगे ही भोगोगे। आप लोग अपनी जिंदगी में अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा नाम सब कमाओगे। बस मेरे दोस्त, आप लोगों की एक ही कमी होती है, कई बार जोश में होश खो देना। सही बोला ना, आप लोग जोश में होश खो देते हो, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करते हो, अलग कर देते हो। दूसरी बात, आप लोग है ना बहकावे में बहुत आ जाते हो, बहुत बार बहकावे मत आओ, जोश में होश मत खो, ये कमी सुधार लो। और एक छोटी सी टिप मैं आपको और दूं, एक काम और करो, हर गुरुवार को किसी भी मंदिर में, कोई भी भगवान जी का मंदिर हो पास में, एक पीले कलर के पुष्प की माला चढ़ा, मतलब जो गेंदे का फूल होते हैं ना, 5-10 रुपए में मिल जाती है, वो माला भगवान जी को चढ़ा दो, बस आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। राजयोग नंबर 2, महाधन लक्ष्मी राजयोग। देखिए ये जो रेखा होती है ना आपके हाथ में, आपकी भाग्य रेखा होती है, मतलब आपके साइड में से निकलकर आपके शनि पर्वत तक जाने वाली रेखा आपकी भाग्य रेखा होती है। ये रेखा नीचे से स्टार्ट हुई है, एकदम आपके हाथ के चंद्र पर्वत से, और आपके शनि पर्वत तक जा रही है। शनि पर्वत कौन सा होता है, आपके हाथ का जो मैंने गोला बनाया है, मिडिल फिंगर आपका शनि पर्वत होता है। तो कोई भी रेखा निकलकर नीचे से, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी रेखा नीचे से निकलकर आपके मिडिल फिंगर की तरफ जा रही हो ना, वो आपकी भाग्य रेखा। ये नियम नोट कर लो, नोट कर लिया तो अब है ना अपने हाथ में काउंट करो, जितने हाथ में भाग्य रेखाएं होंगी, जितनी आपके हाथ में भाग्य रेखाएं होंगी, मेरा कहने का मतलब है जितनी आपके हाथ से, आपके हाथ में नीचे से निकलकर, आपको एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक दिस। अब ये मेरा हाथ देखिए, इस हाथ में मेरी रेखाओं की डायरेक्शन देखिए, अब ये सारी के सारी मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है, जो मैंने मिडिल फिंगर मतलब मध्यमा उंगली जा रही है ना, आपके हाथ में नीचे से जितनी रेखाएं निकलकर आपके मिडिल फिंगर की तरफ जाएगी, ये महाधन लक्ष्मी राजयोग है। नो डाउट अगर आपके हाथ में ये राजयोग है, आप अपनी लाइफ में ऐश्वर्य आराम से भोगोगे, आप अपनी लाइफ में 200% सुख सुविधा भोगोगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, भाग्य रेखा क्या इंडिकेट करती है, आपके स्ट्रगल को, आपकी
मेहनत को। अब खुद सोचो, अगर आपके हाथ में बहुत सारी रेखाएं जो मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एक से ज्यादा रेखाएं अलग अलग डायरेक्शन से निकलकर मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है, तो आप बताओ, आप अपनी फैमिली से अलग काम करते हो, आपके फादर किसी और चीज में थे, मुझे हाँ या ना में लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपने कोई और फील्ड ज्वाइन की है। दूसरी बात, आप लोग बहुत कम उम्र से भी काम वाम में लग गए थे, आप लोगों का इंटरेस्ट काम धंधे में ही था, धन में था, आप लोगों को ये नहीं था मैं किसी पे डिपेंडेंट रहूं या मुझे पिताजी के कारण ये करना है या पिताजी के पास अच्छा है तो ये करना, नहीं, आप लोगों की समझदारी हमेशा से एक नंबर थी और आप लोगों ने हमेशा से ये सोच लिया मुझे काम करना है, मुझे अलग करना है, ये करना है, और आप कर रहे हो, सही है ना। यही बात है, भाग्य रेखाएं, मतलब जितनी नीचे से रेखाएं निकलकर ऊपर की तरफ जाएगी उतने ही आप नो डाउट कर्मशील इंसान होगे, उतने ही ज्यादा कर्म करोगे और उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होगे। ये रहा महाधन लक्ष्मी राजयोग, समझ गए। सॉरी आपको वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बस आपके 10 सेकंड लूंगा। अगर आप लोगों को पामिस्ट्री प्रोफेशनल सीखनी है जैसे बहुत सारे लोग सीख चुके हैं, तो नो डाउट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर मेंशन कर रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप नो डाउट मेरा पामिस्ट्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो मैं खुद आपको लाइव पढ़ा रहा हूं। थैंक यू। तीसरा राजयोग अमला राजयोग, तीसरा राजयोग इसको मैं कहता हूं अमला राजयोग। आपके हाथ में है ना ये लाइन ऊपर से नीचे जा रही है ना, वो आपकी ये लाइन ऊपर से नीचे जा रही है ना, आपकी लाइफ लाइन दिख गई, ये लाइन है ना ऊपर वाली, एकदम ऊपर वाली अंगुलियों के नीचे वाली, ये लाइन क्या है आपकी हार्ट लाइन है। लेकिन जो मैं ये लाइन बना रखी है ना, मैंने एकदम बीचों बीच लाइन है जो आगे से वाई शेप बना रही है, वो क्या है आपके माइंड लाइन है, दिमाग की रेखा है। अगर आपकी माइंड लाइन जो मैंने वी शेप बना रखा है लास्ट में, ध्यान से देखो मेरे हाथ के बीच में एक लाइन है जो वाई शेप में बन रही है, एंड में एकदम वाई शेप में बन रही है, अगर ऐसी लाइन आपके हाथ में है ना, मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ लक्ष्मी योग बहुत अच्छा खासा है, इसे हम अमला योग कहते हैं। आप लोग अपने जीवन में नो डाउट जितना धन आपके एक्सपेक्टेड होता है लगभग 42 वर्ष के बाद में या 49 की एज के बाद में आप लोग अच्छा खासा कमाते हो। आप लोगों की लाइफ में तीन ब्रेकिंग पॉइंट आएंगे, अब ध्यान से सुनना। पहला ब्रेकिंग पॉइंट आप लोगों की लाइफ में आता है 32 के बाद, है ना बताओ। दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट आप लोगों की लाइफ में आता है 35 के बाद, मतलब 32 के बाद में आप ग्रो करते हो, 35 के बाद में आप और भी ग्रो किए हो, 42 के बाद में तो नेक्स्ट लेवल का ग्रो किए हो, 32 35 42। अब ना अपना दिमाग ध्यान से लगाना, अगर आप इस उम्र से गुजर चुके हो तो आपने ग्रो किया है कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अभी इस एज तक नहीं पहुंचे हो और आपकी माइंड लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो मेरी लिख के भविष्यवाणी में आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आप लोग अपने जीवन में बहुत ही अच्छा खासा धन कमाने वाले, ये मेरी श्योरिटी है। और अगर विश्वास नहीं होना, कुछ दिन बाद में मेरे वीडियो का कमेंट बॉक्स देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो अभी मैंने इस वीडियो में तीन महाधन राज्यों के बारे में आपको बताया है, आगे मैं पार्ट्स निकालूंगा, उसमें बहुत सारे हमारे पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग राजयोग होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए ना, मेरे एक निवेदन है, इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी रिसर्च बताता हूँ, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करो, इसको लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो और मुझे सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय बालाजी।